कितना हुआ है पर कैपिटा इनकम? ये 2000 2005 रुपए पर कैपिटा ये डॉलर पर समथिंग हुआ। 2007 में बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम जितना था, मान लो बांग्लादेश, पहले मेरी बात तो सुनो, बांग्लादेश के लोग, एक लोग 100 रुपए कमाते थे, तो इंडिया का जो, इंडिया के जो लोग थे वो 200 रुपए कमाते थे। आज हम पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से भी पीछे हो गए, और ये बांग्लादेश से भी हम पर कैपिटा इनकम में पीछे हो गए। इनको शायद पता नहीं है क्योंकि ये पहने हुए भक्त वाला चश्मा पहने हुए हैं। बड़ी बात है, हम बांग्लादेश से भी पीछे हो गए। देखिए देखिए ये सर, दूसरी बात, अरे रुके ना, दूसरी बात ये आपने कहा कि इकोनॉमी में हम ब्रिटेन को पछाड़ दिया, पांचवी नंबर पे आ गए। आपको पता है कि आ तो गए आप, लेकिन एक ब्रिटेन की पर कैपिटा इनकम कितना है और हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कितना है? एक बच्चा ही पैदा होता है ना तो 1,46,000 रुपया उसके सर पर कर्ज होता है। ये लोग भक्त हैं, इनको पता नहीं है पर कैपिटा इनकम क्या है देश का, क्या भुखमरी में हम पाकिस्तान से पीछे हो गए, अफगानिस्तान से पीछे हो गए, नेपाल से पीछे होंगे। अरे खाली बात, देखिए मैं ये सर का जवाब, सर सुन लो, सर अच्छा बोलते हैं, सर बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है। ये भी साहब पता नहीं, ये श्री राहुल गांधी हॉवर्ड से पढ़ के आए होंगे। सुनिए, मतलब कि 2013 में पर कैपिटा ये 1300 समथिंग था, और सर मैं सुना, मैं आपको सुन लो सर, यही दिक्कत है कांग्रेसियों की, सुनते नहीं है। अच्छा, सवाल देखिए, कांग्रेसी हो गया, सवाल पूछे मतलब सवाल नहीं पूछा सर, ये सर यही दिक्कत है, देखिए। और यहाँ डबल हो गया, मतलब कांग्रेस छोड़ के गई थी सरकार, ये 62 डॉलर था, अब हुआ है ये 84 में सर का बरी कर देता है, 84 सर के हिसाब से, आपके हिसाब से ये 220 रुपए होना चाहिए, डबल हुआ है पर कैपिटा इनकम तो 120 रुपए होना चाहिए, 120 सर के हिसाब से। बोल रहा है, आपकी बात समझ नहीं आ रही, ये सर के हिसाब से डबल होना चाहिए, मतलब कि इकोनॉमी में आप कह रहे हैं रुपया कमजोर हुआ कि मजबूत हुआ, ये बताओ सर के हिसाब से। देखिए ये डबल हुआ है, डबल हुआ, आइए कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है। 1947 में देश आजाद हुआ, रुपया 1 रुपए, डॉलर 1 रुपए, ये 70 कांग्रेस 62 रुपए, सुनो मेरी बात सुनो, कांग्रेस खराब थी, कांग्रेस बकवास थी, कांग्रेस ने देश को लूटा, देश को बर्बाद किया, देश में गड्ढा खोदा, सब कुछ किया, लोगों ने कांग्रेस को हटा दिया। आप तो क्या कहते ना, अच्छे दिन आएंगे, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत ही महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, तो नारा तो आपने दिया था ना भाई बीजेपी ने, तो क्या हुआ बताइए कि उन नारों का अमल हुआ? अच्छे दिन आ गए, जो आप कहते थे कि जिस देश का ऐसा, यार पहले बात, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्राइम मिनिस्टर की इज्जत गिरती है, आज क्या हो रहा है, आज कहाँ पे पहुँच गया विकास देश का? ना 70 साल से देश की इज्जत गिरी नहीं, 1 रुपए डॉलर 1 रुपए रुपया था, देश की ये इज्जत उस समय पे नहीं गिरी भैया 70 साल में। वालों ने चेतावनी दे दी है तो बेइज्जती है ना हमारे देश में। ये देखिए वो जो भी एजेंसियां मतलब की IMF दी है, देश पर कर्जा कितना आ जा रहा है ये बताओ तो, कितना कर्जा सर गूगल कर लीजिए, हम आपको पता है, आपको पता है तो ऊपर कितना कर्ज है अमेरिका, भारत की बात करें, अमेरिका के ऊपर कर्ज है तो अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, अमेरिका में बेरोजगारी कितनी है, अमेरिका में यही स्टूडेंट लवली बेल है, बांग्लादेश की बात कर सकते हो, अमेरिका के ऊपर, चाइना के ऊपर कर्ज कितना है, चाइना भारत के ऊपर कर्जा कितना है? देखिए सिंपल नहीं, मुझे देखो नंबर नहीं, बेरोजगारी कितनी, देखिए कर्ज बताओ ना, कर्ज कितना है भारत के ऊपर, कर्ज कितना है? युवा है 3% नौकरी है, ये भक्त की बात नहीं है, 2 करोड़ नौकरी देने, व्हाट्सएप देखिए, ये देखिए एक्चुअली क्या, इनको व्हाट्सएप से ज्ञान आता है, कांग्रेस की लाइन कोड कर रहे हैं। अरे ये देखो सुन, अरे पहले मेरी बात तो सुनो, आप सुनो मेरी बात सुनो, 67 साल में देश के 14 प्रधानमंत्री हुए, देश पर कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपया, डेटा याद रखेगा, 67 साल 55 लाख करोड़ और 14 प्रधानमंत्री। मोदी जी ने कैसा चमत्कार और विकास किया कि अकेले ले लिया 155 लाख करोड़, भारत पर जो कर्ज है वो 205 लाख करोड़ रुपया, सोचिए 205 लाख करोड़ रुपया, जबकि इन 9 सालों में, जबकि इनको जब मनमोहन सिंह सरकार छोड़कर गए थे सिर्फ और सिर्फ भारत पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, तो जब आप ही बताइए आपके घर में आपके पेरेंट्स के ऊपर कर्ज होगा तो ज्यादा विकास होगा
जब कर्ज नहीं होगा तो विकास होगा। ये अनुभक्त को लेंगे अमेरिका में कितना कर्ज है, चीन में कितना कर्ज है, तो ये लोग वाटर स्टडी से आता है दूसरे ये कर्ज बढ़ के कैसे विकास हो रहा है। देखिए मैं सर का जवाब देना चाहता हूँ, सिंपल सा फंडामेंटल है। आप छोटी दुकान करते हैं, एक छोटा सा दुकान करते हैं, उसके लिए कर्ज लेते हैं, दुकान चलती है, बाद में कर्ज चुक जाता है। ये ऐसे इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की जियोग्राफिकल ऐसे इकोनॉमी चलती है पूरी दुनिया की। सर बताता हूँ सर क्यों नहीं, अमेरिका के ऊपर कर्जा है, चाइना के ऊपर कर्जा है। ये अपने पापा को भी बोलना कर्जा लो पापा, कर्जा लेके सब कुछ करो, घर बनाओ कर्जा लेके, सब करो कर्जा लेकर के। कर्जा उसी को मिलता है जो कर्जा के लायक होता है, पता है ये भी पता होना। भाग जो जाते हैं लेके भाग लेके उसी को कर्ज मिलता है। ये देखिए ये सब भाग।